दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन के बारे में, जिसमें हम लोग इसका फुल डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका जो रिजल्ट आता है वो कैसे हम लोग डेरिवेट करके फाइंड करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन का रिजल्ट हो सकता है कई लोगों को याद हो, कभी कभी वो बीच में भूल जाते हैं, तो वो भूलने का कारण ये कि उनको डेरिवेशन नहीं पता है। तो बिना डेरिवेशन के क्या होता है कि कॉन्फिडेंट नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे आईटीसी का दे रहे हैं, नेवी का दे रहे हैं, एयरफोर्स कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेरिवेशन आना मस्ट होता है। क्या उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंट आता है, कोई भी सवाल आप करने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ डेरिवेशन आता है। अगर आप भूल भी रहे रिजल्ट तो एक बार डेरिवेशन पता है तो आपको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे आता है, तो एक बार दिमाग में आने के चांसेस है, डेरिवेशन नहीं पता तो वो भी चांसेस गया। ठीक है, तो डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी सेंस में हम लोग आज इसका डेरिवेशन कंप्लीटली देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सॉलिड कोन ये हमारा बना हुआ है, तो इसकी रेडियस आप देख रहे होंगे आर दिया है, हाइट एच दिया है, और आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास होता है एक पॉइंट, सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन अगर मैं बात करूं तो होता है कि पॉइंट अबाउट विच मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट अबाउट विच मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए बॉडी का जहां से हम लोग अगर मास देखें तो चारों डायरेक्शन में सेम आनी चाहिए। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन में वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए उस पॉइंट के अलॉन्ग। ठीक है, समझ में आइए इतना। तो हमारी ये जो बॉडी है देखिए, इसका शेप कुछ रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मास ज्यादा है फिर कम कम कम, ये हमको पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ हमको मास सेंटर ऑफ मास तो निकालना है लेकिन कहां से निकालना है। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अपने मैथ या फिजिक्स में जो रेफरेंस लेते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला रेफरेंस लेते हैं, ओरिजिन 0 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, हमको यहाँ पे कहीं जीरो मानना पड़ेगा। तो आप यहां पे चाहे मान सकते हैं चाहे वर्टेक्स में मान सकते हैं, तो मैं वर्टेक्स में मान के आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। तो मैं वर्टेक्स को क्या मान ले रहा हूं, 0 0, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसी के अबाउट हम लोग सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस जो हो गई ये हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली एक्सिस जो है ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ध्यान से देखिएगा, तो एक्स एक्सिस पे जितना मास इधर है उतना इधर दिख रहा होगा, शेप इधर सिमेट्री दिख रही होगी, तो मीन जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे होगा, इस लाइन पे अगर होगा सेंटर ऑफ मास कहीं तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही मिलेगा, बीचों बीच में रहेगा तो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट हमको यहीं से मिल जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालने चलना है, तो मतलब पॉइंट होगा जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमको बताना रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पहले ही जीरो हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया क्योंकि बीचों बीच में होगा और मास देखिए इधर उधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समस्या किधर है, वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस पे देखिए मास इधर कम है फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले यहाँ पे ले यहाँ पे ले कहाँ पे ले, जहां से कि क्या हो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हमें पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं वाई सी एम, उसी को हमको डेरिवेट करना है कैलकुलेट करना है। अगर आप जेड एक्सिस की बात कर लें तो जेड एक्सिस तो अंदर होगा, ठीक है जेड एक्सिस अंदर होगा, सेम जैसे एक्स एक्सिस के लिए यूनिफॉर्मली है वैसे देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो जेड एक्सिस के लिए भी देखिए जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट उधर, उसके लिए भी क्या होगा बॉटम भी आएगा मतलब जीरो उसके लिए भी आएगा। तो एक्स और जेड का हमें पता चल गया कि जीरो जीरो हो गया, हमके पास वाई सी एम निकालना है उसी के लिए डेरिवेशन करना है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करना क्या रहता है कि ये चूंकि एक सॉलिड बॉडी है हमको यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी आगे इंटीग्रेट हम लोग कर पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमको यही लिखना है, लेट एज्यूम कर लेना है माना मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए इसका मास m होगा, मान लीजिए इसका मास m है, मास की कोई जरूरत नहीं है वैसे, जैसे हम समझा रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ हमको ये एज्यूम करना है, बस इसको कैलकुलेट करना, भी देखेंगे ये रो कैंसिल हो जाएगा कोई बात ना, बस जस्ट उसको कैलकुलेशन के लिए एज्यूम करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको पता है कि बिना इंटीग्रेशन के तो आने वाला नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है कि पहले हमको एक एलिमेंटल बॉडी लेना रहता है, फिर उसको इंटीग्रेट करते तो होल बॉडी हमको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो एलिमेंटल बॉडी लेने वाले हैं वो लेंगे एक डिस्क, हमने डिस्क एक एज अ एलिमेंटल बॉडी हमने ले लिया ये। ठीक है, ये कितनी हाइट पे ले लिया, हमने ले लिया यहां से ओरिजिन से वाई हाइट पे, और इसकी विड्थ हमने जो लिया हुआ है
वो डी वाई दे रही है, ठीक है। ये जो विड्थ है वो डी वाई है और जो इसकी रेडियस है, ये जिसकी रेडियस भी है, ठीक है, तो वो एक्स है, एक्स रेडियस है, वाई हाइट पे है और विड्थ इसकी डी वाई है, ठीक है। ये एलिमेंटल बॉडी हो गई। फिर इसमें क्या निकालना रहता है कि आपको इसका एलिमेंटल मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि होल बॉडी का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो रो है, तो इस एलिमेंटल बॉडी का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंटल बॉडी। तो यहां पर लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट को आपको ये लिखना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास मीन छोटा सा मास, जिसको हम डिनोट करते हैं डी एम से। हम लोग यहां पे लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल बॉडी। एलिमेंटल बॉडी जो है वो तो डिस्क है, लेकिन एज अ सिलेंडर जैसे उसको अज्यूम कर सकते हैं। मतलब डिस्क है, हाइट उसकी डी वाई है, जैसे सिलेंडर में हाइट एच होता है, रेडियस एक्स है। तो सिलेंडर का देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह पे एक्स है रेडियस एक्स स्क्वायर, और हाइट एच की जगह पे देखिए उसकी विड्थ है डी वाई, तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये वैल्यू होगी, जहां जरूरत पड़ेगी इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको थर्ड पॉइंट भी लिखना है। थर्ड पॉइंट हम लोग का आएगा, सीधे फॉर्मूले लगाना है थर्ड पॉइंट में, फाइनली यहीं पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमको वाई सी एम निकालना है, एक्स और जेड तो हमको पता चल गया। वाई सी एम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन डी एम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको एक्स सी एम निकालना है तो एक्स डी एम अपॉन डी एम होगा, ठीक है। जेड सी एम निकालना है तो जेड डी एम अपॉन डी एम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डीएम की वैल्यू क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को वाई सी एम इज इक्वल टू मिलेगा रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो रो पाई चूंकि कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो यहां पर जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई एंड रो पाई बाहर हो जाएगा, ठीक है। और वाई भी है हमारे पास, तो वाई हम लोग यहां पर लिख लिए, वाई एक्स स्क्वायर डी वाई और रो पाई बाहर कर लिए। सेम यहां पर भी रो और पाई जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको बाहर लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर डी वाई आ गया, रो पाई कैंसिल हो गया। तो यहां पे आगे वैल्यू हम लोग मिल जाएगी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए समस्या क्या है कि यहां पे दो वेरिएबल है वाई और एक्स। देखिए वेरिएबल कैसे हम कर रहे हैं, क्यों, देखिए वाई भी चेंज होगा और एक्स रेडियस भी चेंज होगा, जैसे हम लोग ऊपर नीचे मूव करेंगे। ये रेडियस अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगी, वाई हाइट बढ़ेगी, अगर नीचे आ रहा है तो ये एक्स छोटा होगा वाई भी छोटा होगा। तो दोनों वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे अभी हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना रहेगा। और चूंकि डी वाई है तो डी वाई के साथ वाई फंक्शन होना चाहिए, तो मीन्स एक्स को हमको वाई में चेंज करना रहेगा। सेम यहां पर भी डी वाई है तो इसको एक्स को हमको वाई में चेंज करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे लिमिट भी देख लेते हैं कि जब हम लोग वाई में चेंज कर लेंगे तो वाई की जो लिमिट होगी वो जीरो से कहां तक होगी, एच, क्योंकि हाइट एच है, तो वाई की वैल्यू देखिए जीरो से एच तक जाएगी। तो लिमिट हमारी जो लगेगी जीरो से एच लगेगी, जीरो से एच। अब एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे, उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आप दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। देखिए एक छोटा ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसमें ध्यान दीजिए, और एक देखिए ये बाहर बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर टेन थीटा फॉर्मूला लगाते हैं तो ये छोटे ट्रायंगल के लिए भी लगेगा और टेन थीटा बड़े ट्रायंगल के लिए भी लिखेगा। तो टेन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए टेन थीटा सेम है, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो हो जाएगा बड़े ट्रायंगल के लिए, अगर देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स आर अपॉन बेस, क्या है बेस मीन्स हाइट होगी एच, और टेन थीटा इसके लिए लगाते हैं तो एक्स अपॉन वाई मिलता है। हम लोग लिखेंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू आर अपॉन एच। हम लोग एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आर अपॉन एच इंटू वाई। हमको एक्स स्क्वायर की जरूरत है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए हम लोग को कुछ इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी, वाई सी एम इज इक्वल टू, हम लोग को एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे तो अंदर हम लोग को मिल जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब डी वाई, जीरो टू एच इंटीग्रेट करना है डिवाइडेड बाई। सेम इधर भी आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा और हम लोग मिल जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया,
वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट हम लोग 0 to h लगा देंगे, वाई पावर 4/4, ठीक है, लिमिट 0 to h डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to h, इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा, सिंपल इंटीग्रेशन है एकदम से, ठीक है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट h रखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो गया, तो मीन्स अपर लिमिट सिर्फ हमको यहाँ पर रख देना है, तो h पावर 4/4 होगा हमारा, h पावर 4/4 एंड नीचे के जो वैल्यू हमारा आएगा वो अपर लिमिट रखेंगे h क्यूब बाई 3, 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, h क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 3h/4। तो हम लोग को YCM की वैल्यू पता चल गई कितनी आया, 3h/4 हम लोग का काम हो गया, यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल गया, कॉम में हमको सिर्फ YCM की जरूरत थी, हमारी वैल्यू आ गई 0, YCM मींस हो गया 3h/4, 0, ठीक है। हमने यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट बताया, हो सकता है कि कहीं की बुक में सिर्फ 2xy बताता तो 0, 3h/4 लिखता है, कहीं सिर्फ YCM ही बोलना है तो 3h/4, क्योंकि एक्स और जेड अंडरस्टूड रहता है कि 0, 0 होगा, तो सिर्फ YCM बता देते हैं, हाँ इसका जो सेंटर ऑफ मास है 3h/4 पर है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन, आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज में छोटा सा और ध्यान रखिएगा आप लोग, कि कभी कभी जो हम लोग ये जो आपको मैंने दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, जो हमने सॉलिड कोन बनाया है, जो रेफरेंस लिया है, कहीं कहीं उसको दूसरी तरीके से रेफरेंस लेते हैं। देखिए अगर कोन आपका ऐसे बना हुआ है, रेफरेंस यहां पे लिया गया, तो हमको कितने हाइट पे मिल रहा है, यहां से मिल जाएगा 3h/4 मिल रहा है। हो सकता है कि किसी किसी बुक में रेफरेंस यहां से लिया हो, ये यहां से लिया है रेफरेंस, ठीक है, यहां पे 0, 0 ले लिया है, तो देखो ये कितना हो जाएगा टोटल, चूंकि h है, टोटल h है, तो h में 3h/4 हटा दोगे तो इधर से भी पता चल जाएगा, h में 3h/4 हटाओगे तो कितना हो जाएगा, h-3h/4 करोगे हमको मिल जाएगा h/4। तो अगर इधर से पूछ रहा है तो आप h/4 आंसर बताइएगा, अगर इधर से रेफरेंस मान के पूछ रहा है तो 3h/4। तो दोनों तरीके से आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, हमने ये इस तरीके से डेरिवेशन बताया क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है डेरिवेट करना, बाकी हम तो समझ ही रहे हैं कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया, अगर इस टाइप में होगा तो 3h/4 बोलेंगे, इस टाइप में होगा तो h/4, ठीक है। ये था कंप्लीट डेरिवेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, अभी क्लियर फिल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।